शब्द सार कुंडली। आपने देखा होगा कि जब कहीं कोई सप निकलता है, सप को बाद में सर्प बोलते हैं संस्कृत भाषा में, सप निकलता है, सर्प निकलता है, स्नेक निकलता है, और वो गोल गोल घूम के अपने फन को ऊपर उठाता है तो क्या कहते हैं? देखो कैसा कुंडली मार के बैठा हुआ सांप है, देखो ये जो सर्प है ये कितना कुंडली मार के बैठा हुआ है, इसने तो कुंडली मारी हुई है, यानी वो गोल गोल जो चक्र बना के बैठा है उसको कुंडली बोलते हैं। तो कुंडली जो शब्द है वो पाली का शब्द है, पुरानी भाषा का शब्द है, हिंदी का, आज की डेट में उसको हिंदी क्या कह सकते हैं। कुंडली का मतलब है, इसको बाद में सप से या सर्प से सर्पिलाकार भी बोलते हैं, यानी कि कुंडली मार के सर्प बैठा हुआ है, और चूंकि सर्प से सप से लोग ज़्यादा डरते हैं इसलिए उसका दूसरा नाम भी सर्पिलाकार पड़ गया, यानी कि सांप की तरह गोल गोल घुमा हुआ सर्पिलाकार। कानों में जो पैंडले हैं उसको कुंडल बोलते हैं, यानी कुंडल जो कानों में पहने हैं वो कुंडल हो गए, वो रिंग होते हैं यानी कि वो घेरा होते हैं जो कानों में पहने जाते हैं, जिसको बाली भी बोलते हैं। बाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजा बाली को जब मारा गया था तो उसके याद में और अपना शासन वापस लेने के लिए माओ ने अपने बच्चों को कसम दिलाई कि तुम ये जो कुंडली है यानी कि जो कुंडल है इसको पहनोगे और इसको हमेशा याद रखोगे कि ये राज तुम्हारा है, ये शासन तुम्हारा है, तुम्हें ये अपना शासन वापस लेना है, इसलिए राजा बलि की कसम खिलाते थे और कुंडली का नाम ही, कुंडल का नाम ही बलि पड़ गया, बाली पड़ गया, तो बाली नाम इसको वहाँ से दिया गया। मगर यहाँ जो बात कर रहे हैं हम कुंडल की कर रहे हैं, तो इसी से आपने देखा होगा कुंडल केसा, कुंडल केसा का मतलब है जिसके केस कुंडल जैसे हों, केसा शब्द भी पाली का है, केस माने जिसके सर्पीले बाल होते हैं उसको कुंडल केसा बोलते हैं, कुंडल केसा एक बार पाली की एक गाथा में आया भी है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है जन्म कुंडली, यानी कि जन्म की कुंडली बनाना। अब जन्म की कुंडली क्या होता है? बेसिकली इसको बोलते हैं जात कुंडली या जाति कुंडली, क्योंकि जन्म को पाली के अंदर जात या जाति बोला जाता है, तो इसको हम बोलेंगे जाति कुंडली। अब जाति कुंडली सबसे पहले आप जो सिद्धार्थ गौतम है यानी कि भगवान गौतम है उनकी समझिए, उनकी जाति कुंडली को जब बनाने के लिए जो इसी आए वैज्ञानिक आए, इसी को वैज्ञानिक बोलते हैं, और जो वहाँ पे आए थे वो आए थे काले ऋषि आए थे। काले ऋषि का मतलब है जो यहाँ भारत के ही मूल निवासी रहे होंगे काले, तो उन काले ऋषि को उन्होंने बताया देख के कि बड़े बड़े जो लक्षण हैं इसके शरीर पर, बॉडी पर बच्चे के, उन्होंने सारे देखे, हाथ पैर चेक किए, सब चीज़ चेक की, उन्होंने कहा 32 लक्षण इसके जो बड़े पुरुष होते हैं जो ज़्यादा बड़े अच्छे काम करते हैं उनके हैं, और छोटे छोटे कुल मिला के 80 उनके लक्षण थे, यानी कि ऐसे लक्षण ऐसे करेक्टरिस्टिक्स उनकी बॉडी में थे जिससे वो परफेक्ट मैन, जो एक अच्छा स्वस्थ बच्चा होता है जो आगे जाके एक परफेक्ट मैन बनेगा, उसके उन्होंने वो अपने ज्ञान से अपनी जानकारी से वो बताए, तो उनकी पहली कुंडली बनाई और भगवान बुद्ध की पहली जाति कुंडली बनी। तो जाति कुंडली बनाने का जो सिस्टम है वो बौद्धों का सिस्टम है, वो बुद्धिस्टों का सिस्टम है, वो धम्मिकों का सिस्टम है, जो बच्चे को देख के और जो इसके शरीर विज्ञान के लोग होते थे और जो मनोविज्ञान के लोग होते थे वो देख के बताते थे कि इसका शरीर, इसका खानदान, इसका पालन पोषण जैसा आसपास का वातावरण से होगा, जैसी जलवायु है और जैसा ये बच्चा पैदा हुआ है उसके हिसाब से, और जितनी इसकी ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से इसका शरीर कैसा रहेगा, इसका मन कैसा रहेगा और ये आगे कैसे काम करेगा। तब ये कहावत बनी कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं उन लक्षणों के आधार पर। लक्षण बदलते रहते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसने पहले लक्षण बताए हैं वो ना बदलें, व्यवहार से, स्वभाव से, परिस्थिति से, कोई नेचुरल क्लैमिटी हो जाए, कोई आपदा आ जाए, कहीं कोई चीज़ ना मिले, तो वो लक्षण बदलते रहते हैं, ये प्राकृतिक नियम है। तो जो कुंडली, जाति कुंडली बनाने का यानी जात कुंडली बनाने का जो सिस्टम है वो धम्मिक सिस्टम है, वो बौद्धों का सिस्टम है, वो प्राचीन काल से है और ये साइंटिफिक वे में है, इसको आप मनगढ़ंत नहीं बता सकते, आपको पहले बच्चे को पूरा चेक करना पड़ेगा। आज की डेट में तो और भी ज़्यादा आसान है, आप अपने बच्चे का ब्लड का सैंपल अपनी लेबोरेटरी में दे दीजिए और लेबोरेटरी से सारे टेस्ट करा लीजिए, आपको लेबोरेटरी में टेस्ट करके बता देंगे कि आपके बच्चे का आगे चल के ये डिसीज होंगी, इसमें ये जर्म्स हैं, ये नहीं है, ये कमजोरी है, इतना ऑक्सीजन है, इतना कैल्शियम है, इतना ये है, इतनी इसकी ग्रोथ है। 6 महीने तक वो उसको तोलेंगे, तोल के बता देंगे कि आपके बच्चे की ये ग्रोथ है, इसको ये खिलाना है, वो खिलाना है।
साइंटिफिक जन्म कुंडली आज की डेट में बन जाती हैं। और अब तो ऐसे कंप्यूटर, ऐसी मशीन भी आ गई हैं जो आपकी सेल से देख के, आपके डीएनए से देख के, डीएनए को देख के बता सकते हैं कि अब आप कैसे आगे होने वाले हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बच्चा पैदा तब होगा जब पहले उसकी जन्म कुंडली तैयार हो जाएगी, यानी कि जो जाति कुंडली है पहले वो बनाई जाएगी, डीएनए बनाया जाएगा, फिर बच्चा पैदा किया जाएगा। हम उस स्टेज में आ गए हैं कि बच्चा बाद में पैदा होगा, पहले उसकी जाति कुंडली यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पहले उसमें लिखे जाएंगे, उसका डीएनए बनाया जाएगा, फिर वो बच्चा पैदा होगा। ये सारी साइंस है और बुध तो सारे सारे साइंस से जाने जाते हैं। इसलिए आप अपनी जाति कुंडली बनवाइए, जो जाति कुंडली है डॉक्टर से बनवाइए, साइंटिस्ट से बनवाइए, वैज्ञानिक से बनवाइए, अपना ब्लड सैंपल दीजिए, वो आपको बताएगा कि आपको कोई भविष्य में कैसी बीमारी है कैसी नहीं है। ये आगे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहता है। माता पिता अगर अपनी जाति कुंडली डॉक्टर से बनवा लेते हैं तो उनके आधार पर उन्हें ये पता रहता है कि उनका बच्चा जो होगा वो किस तरह से स्वस्थ होगा या अस्वस्थ होगा, उसकी तैयारी पहले से की जा सकती है। ये मॉडर्न साइंस है जो भगवान बुद्ध के समय जीवित थी और भगवान बुद्ध के समय बहुत ज़्यादा चलती थी। बाद में इसको लोग भूल गए और इधर उधर की बातें जाति कुंडली के नाम पर बनाने लगे। अक्षर जोड़ने से या गुणा भाग करने से जाति कुंडली नहीं बनती, चेक करके देख कर फिजिशियन टाइप में जो इसी वर होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, बना सकते हैं। धन्यवाद।